नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की। बता दें कि जाह्नवी कपूर का आज जन्मदिन है। सुबह से ही एक्ट्रेस को काफी ज्यादा विशेष मिल रही हैं। अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर एक्ट्रेस जहाँ एक और हर किसी की बेस्ट विशेष को धन्यवाद करती हुई नजर आ रही है, बर्थडे सेलिब्रेट भी करती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर एक्ट्रेस काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर अपनी माँ श्रीदेवी के काफी ज्यादा क्लोज थी। हालांकि उनकी पहली फिल्म धड़क के रिलीज से कुछ वक्त पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया। आपको बता दें कि श्रीदेवी जाह्नवी कपूर की इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि अपनी बेटी का हाथ थामकर वो उनकी पहली फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज होते हुए देखे। जाह्नवी कपूर कई बार इंटरव्यूज में ये कह चुकी हैं कि मैं अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। हालांकि कई बार मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि मैं अपनी माँ जैसी लगती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी माँ का अगर 10% ग्रेस भी अपने अंदर अचीव कर लूंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि हाल ही में श्रीदेवी की पुण्यतिथि थी। इस दौरान भी जाह्नवी कपूर काफी ज्यादा इमोशनल नजर आई। जाह्नवी कपूर अपनी मां के बेहद ज्यादा करीब है और कई बार वो अपनी मां के आइकॉनिक लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। जाह्नवी अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर भी अपनी मां को याद करती हुई नजर आई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी माँ की तरह बन सकूं। हालांकि मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी अपनी माँ जैसी कभी बन पाऊंगी या नहीं मैं ये कह नहीं सकती, क्योंकि एक्टिंग के मामले में मेरी माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। शायद ही कोई एक्ट्रेस मेरी माँ के लेवल तक एक्टिंग को समझ पाएगी और बड़े पर्दे पर एक्सप्रेशंस के साथ एक्टिंग को उतार पाएगी। ऐसे में जाह्नवी कपूर की अगर बात करें तो जाह्नवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। हालांकि बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ खास रिस्पांस तो नहीं दिखा पाई, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाह्नवी कपूर की फिल्म को काफी ज्यादा सराहा गया। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।